भारतीय संस्कृति के पवित्र पर्वों में से एक सिंहस्थ कुंभ। पुण्य के इस महाअवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों द्वारा आपकी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु निशुल्क अनुष्ठान एवं हवन का आयोजन 22 अप्रैल से 21 मई तक रखा गया है। आइए सिंहस्थ कुंभ के इस पुण्य वेला का आप भी लाभ उठाएं और बनिए पुण्य के भागीदार। आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर अपना स्थान सुनिश्चित करवाएं। फोन नंबर 02915190000। आज व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने के साथ साथ धन धान्य यश कीर्ति मान सम्मान ऐश्वर्य सभी चीजें प्राप्त करना चाहता है और यह सभी हमें माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद द्वारा ही प्राप्त होती हैं। और यदि हम माँ लक्ष्मी का अस्थाई रूप से वास चाहते हैं तो लक्ष्मी के साथ उनके आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना व साधना करना परम आवश्यक है। तो यदि आप भी अपने भाग्य को परिवर्तित करके माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की अनुकंपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास है स्वर्णिम अवसर। अक्षय तृतीया के सौभाग्यशाली अवसर पर आप सभी भक्तजनों पर माँ लक्ष्मी की अनुकंपा प्राप्ति हेतु परम पूज्य गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी ने अपने दिव्य शक्तियों द्वारा निर्माण किया है, जिसे संपन्न करके आप अपने सोए भाग्य को जगाकर अपने घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर वास बना सकते हैं। इस साधना में आप पाएंगे संपर्क करें गुरुदेव सुरेश श्रीमाली 19-20A हाईकोर्ट कॉलोनी जोधपुर राजस्थान। फोन नंबर 02915190000 और 98290-26625 और 93147-49222। वेबसाइट www.grahokakhel.co.in। जन्म कुंडली विश्लेषण। पति पत्नी अपने दो बेटों और एक बेटी के साथ बहुत प्यार भरी जिंदगी जी रहे थे। जहां पर पति सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बड़ा बेटा डिफेंस में कमांडो, छोटा बेटा और बेटी दोनों कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। सब कुछ ईश्वर की दया से बहुत अच्छा चल रहा था कि अचानक 18 मार्च 2011 को पति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। हॉस्पिटल जाने का मौका, उपाय करने का मौका, इलाज कराने का मौका नहीं मिल पाता है। इस बुरे वक्त से या इस बुरे वक्त में इनके बड़े बेटे ने एक जिम्मेदार बेटे होने का फर्ज निभाया। अपनी माँ, भाई और बहन के प्रति जो फर्ज हो सकता है वो सब निभाया और साथ में जॉब को भी किया। भाई बहन और माँ के इस गंभीर संकट के समय में उनको टूटने नहीं दिया। जिस बेटे ने पिता की मृत्यु के बाद पूरे घर को संभाला, 4 महीने बाद ही उस बेटे की एक सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो जाती है। इस माँ की तो मानो पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। ऐसा लगता है किसी ने इनकी खुशियों पर नजर डाली हो, ग्रहण लग गया हो। जहां पति खोया, 4 महीने बाद जवान बेटा खो दिया। ऐसी स्थिति में जहां एक महिला 4 महीने के अंदर अंदर अपने घर के 2 मुख्य सदस्यों को खो दे, जैसे जिंदगी जीने का अर्थ ही खत्म हो गया हो। ये महिला अपने पति और बड़े बेटे के इस गम से उबर ही रही थी कि छोटा बेटा इस गम से उबर नहीं पाया और डिप्रेशन और टेंशन को कम करने के लिए शराब और सिगरेट का सहारा लेने लगा। बैड कंपनी का ऐसा शिकार हुआ कि ना दिन का पता ना रात का पता। घर में माँ के अलावा कोई बड़ा रोकने और टोकने वाला नहीं होने के कारण अपनी मनमानी करता है। पिता की जगह सरकारी नौकरी तो उसे मिल गई, लेकिन नौकरी भी ढंग से नहीं कर पा रहा है। आज मैं जिस शख्स की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूँ, ये वही उस माँ का छोटा बेटा जो 31 साल तकरीबन 5 महीने के आसपास का युवक है, इस परिवार का छोटा बेटा है। माँ बहन को बस इसी से आशा थी, जो ये पूरी तो करना दूर, उल्टे माँ के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है।
आइए देखते हैं कि क्या है इनके ग्रहों का खेल, क्या यह बच्चा वाकई में सुधर पाएगा, संभल पाएगा। देखते हैं क्या कहते हैं इसके ग्रह नक्षत्र। इस वक्त ये जन्म कुंडली आपके सामने जो 5 नंबर से शुरू होती है, लग्न में ही सूर्य, बुध और शुक्र विराजमान है, इसे हम सिंह लग्न की कुंडली कहते हैं। यहां पर लग्ने सूर्य लग्न में ही स्वग्रही और साथ में देखिए लाभेश और दनेश 3 नंबर और 6 नंबर के लॉर्ड, जो प्रॉफिट और धन के जो लॉर्ड है वो बुध बनते हैं, वो साथ में विराजमान है। और वहीं कर्म स्थान के स्वामी शुक्र, जहां पर 2 नंबर लिखे हैं, वो 10th हाउस होता है कर्म स्थान, वृषभ राशि के लॉर्ड शुक्र की युति लग्न में विराजमान होने से एक महान राजयोग बनता है। वहीं यहां पर बुध आदित्य योग, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। और तो और शिक्षा स्थान की तरफ ले जाना चाहूंगा, जहां पर 9 नंबर लिखे हुए हैं, वहां पर देखिए स्वग्रही देवताओं के गुरु बृहस्पति बहुत ही शुभ स्थिति में विराजमान है। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, आपके गुरु अगर आपके घर पर देखते हैं आते हैं तो आपके घर में उजाला करेंगे। हमें टीचर पढ़ाते हैं इसलिए नहीं कि हम फेल हो जाएं, इसलिए कि हम पास हों, तरक्की करें। तो गुरु के अंदर एक काबिलियत है कि जहां पर उनकी दृष्टि पड़ती है जन्म कुंडली में, वहां का सिर्फ वो अच्छा करते हैं, अगर अच्छी पोजिशन में गुरु हो तो। देखिए 5वीं दृष्टि 9 से लेकर 1 की तरफ भाग्य भाव की तरफ बहुत सुंदर राज्यों भाग्य चमकेगा। दूसरा 7वीं दृष्टि लाभ इनकम प्रॉफिट हाउस की तरफ, जहां पर 3 नंबर लिखे हुए हैं वहां, और 9वीं दृष्टि लग्न पर होने से बहुत शुभ राजयोग बन रहा है और लग्न को मजबूत कर रहे हैं। वैसे भी लग्न में सूर्य मजबूत है और राजयोग भी बना रहा है, इन्हीं सब योगों के कारण ही आपकी शिक्षा उच्च स्तरीय, पिता की जॉब, पिता की गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर लेना जैसे योग मिलते हैं। लेकिन शायद ही कोई बच्चा ये चाहता होगा कि मेरे पिता की मृत्यु हो जाए और मुझे उनकी जॉब मिल जाए, लेकिन यहां पर हमें शुभ योगों की तलाश भी है, तो ये शुभ योग हैं। आप एक अच्छे नेक दिल इंसान हैं, लेकिन कई बार घर में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती है जिनका मन और मस्तिष्क पर बड़ा गहरा असर होता है और मन मस्तिष्क पर से हमारा कमांड खत्म हो जाता है। और उसमें मदद करता है जन्म कुंडली में चंद्रमा की पोजिशन का खराब होना, मतलब अगर आपको बैड कंपनी में जाना है तो उसमें हेल्प करता है चंद्रमा, जो कि मेंटल पोजिशन का लॉर्ड है, मन और मस्तिष्क का लॉर्ड है। यहां पर देखिए चंद्रमा मन सो जातक होकर 12th हाउस में विराजमान है, जहां पर 4 नंबर लिखे हुए, कुंडली का कर्क राशि है, 12th हाउस होता है। मन और मस्तिष्क को नाश भाव में लेकर गए चंद्रमा, यानी नाश हानि भाव में विराजमान होने से, वहीं चंद्रमा पर शनि जो कि उच्च के जरूर है, जहां पर 7 नंबर लिखे हैं, तुला राशि में शनि उच्च राशि के होते हैं, उनकी 10वीं दृष्टि 7 से लेकर 4 की तरफ एक एरो, और तो और 4th हाउस में विराजित केतु की भी 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर होने से 8 से 4 की तरफ एक एरो मानसिक शांति को खराब कर देता है, तकलीफ देह बना देता है। यहां पर देखिए 4th हाउस जहां पर 8 नंबर लिखे हुए मंगल केतु विराजमान है, जो कि दोस्ती और मां का होता है, या मंगल केतु का अंगारक दोष बना है जो कि बुरी संगत या बुरे दोस्ती के जाल में इंसान को फंसा देता है और मां को भी गंभीर कष्ट देते हैं। एक मां की हालत सोचे जिसने जवान बेटा खो दिया हो, पति खो दिया हो, और आज जिस बेटे पर आस है वो भी नाकारा निकला, बेटी तो पराया धन है, कल शादी करके चली जाएगी, मां का क्या होगा, यह अंगारक दोष वही सब तकलीफ देता है। वहीं पिता भाव में राहु विराजमान होने से पिता के सुख में कमी करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर एक के पिता की मृत्यु होगी, कई बार पिता से बनती नहीं है, पिता दूर रहते हैं, माता पिता अलग हो जाते हैं, बच्चा मां के साथ पलता है, पिता का सुख नहीं मिल पाता है, ऐसी स्थितियां बनती है। राहु की तो दोनों ही आकस्मिकता के कारक ग्रह है, अचानक अशुभ फल देते हैं और अचानक ही बहुत बड़ा शुभ फल देते हैं। इसी कारण केतु की दशा में पिता की अकाल मृत्यु हुई। 24 मई 2013 में आपको केतु की दशा समाप्त हुई है और जाते जाते केतु पिता भाई का साया आपसे छीन लेकर गया, आपको बुरी संगत में डालकर गया केतु। मैं कई बार कहता हूं कि केत छोड़ावे खेत, लेकिन अब शुक्र की दशा श्रेष्ठ फल देगी। वहीं 23 सितंबर 2016 में शुक्र में शुक्र का अंतर समाप्त होगा, फिर लाभ ही लाभ मिलेगा। आज की मेरी बातचीत का निष्कर्ष क्या निकलता है कि इंसान जन्म से बुरा पैदा नहीं होता है, बल्कि पारिवारिक माहौल, गलत संगत के कारण
बुरा बनता है। जीवन और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में होती है। कौन कब जन्म लेगा और कब इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाएगा, इसका रिमोट कंट्रोल ऊपर वाले के हाथ में होता है। जो चीज़ हमारे बस में नहीं है किसी अन्य के बस में हो तो उसमें परेशान होना मूर्खता है। आपने अपने पिताजी और बड़े भाई को खोया है, अब माता की पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आपका प्रयास ऐसा होना चाहिए कि कभी भी आपकी माँ को अपने पति और बड़े बेटे की कमी ना खले। अगर अपने भाई और पिता को वाकई में आप एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो, उन्हें भूलना चाहते हो, तो यह निर्णय गलत होगा कि आप शराब और सिगरेट का फायदा लेकर उन्हें भूलें, बल्कि एक आदर्श भाई और पुत्र बनकर अपने पिता और भाई को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। आप सभी को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि हमारे परिवार में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, समय से पहले हो जाती है, बहुत सारे ऐसे कष्ट होते हैं, हम उनको भूल नहीं पाते हैं, उससे वर्तमान खो देते हैं। उनका क्या दोष है जो इस वक्त आपके साथ में है, आप उनके गम में इनको पूरा प्यार नहीं दे पा रहे हैं। इनको प्यार दीजिए, वक्त आने पर उनको याद जरूर करिए, लेकिन ऐसा याद करिए, ऐसे सच्चे मन से कर्म करिए कि वाकई में एक श्रद्धांजलि हो सके। कुछ उपाय जो इस गंभीर कष्ट वाली समस्या में बेटे को इस दोष से मुक्ति दिलाएंगे। अब माँ हैं, विश्वास रखें, आपका बेटा जल्द सही रास्ते पर आ जाएगा। हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर, चमेली का तेल और चोला चढ़ाएं, ध्वजा एवं नारियल भी भेंट करें। हनुमान जी और शनि देव की आराधना जितनी हो उतनी बढ़िया है। विशेष शत्रु बाधा निवारक साधना करें तथा चंद्रमा को अर्घ्य अपने बेटे से दिलवाइए। कुछ दिनों में देखेंगे कि बेटा धीरे धीरे वापस रास्ते पर आ रहा है। तो ये था इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव। अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे, ना केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान है, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण। संपर्क करें गुरुदेव सुरेश श्रीमाली, 19-20A हाईकोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, राजस्थान। फोन नंबर 02915190000 और 98290-26625 और 93147-4922। वेबसाइट www.grahokakhel.co.in। भारतीय संस्कृति के पवित्र पर्वों में से एक सिंहस्थ कुंभ। पुण्य के इस महाअवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों द्वारा आपकी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु निशुल्क अनुष्ठान एवं हवन का आयोजन 22 अप्रैल से 21 मई तक रखा गया है। आइए सिंहस्थ कुंभ की इस पुण्य वेला का आप भी लाभ उठाएं और बनिए पुण्य के भागीदार। आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर अपना स्थान सुनिश्चित करवाएं। फोन नंबर 02915190000। जन्म कुंडली विश्लेषण। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी भी कार्य के लिए लिया गया निर्णय अहम भूमिका निभाता है। यह निर्णय होता है जो किसी भी क्षेत्र में सफलता और असफलता के मार्ग को प्रशस्त करता है। परिवार में रहते हुए
इंसान को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हर अच्छी और बुरी बात सर्वप्रथम इंसान अपने घर परिवार से ही सीखता है। एक संयुक्त परिवार जिसे ज्वाइंट फैमिली कहते हैं, जिसमें माता पिता के संग उनके 3 पुत्र, 2 विवाहित यानी शादीशुदा और 1 अविवाहित अनमैरिड बच्चा रहता है। दोनों शादीशुदा भाइयों का अपनी पत्नियों के संग रोजाना छोटी हो या बड़ी बात पर कोई न कोई तकरार या बहस अथवा झगड़ा होता रहता है। रोजाना इन्हीं परिस्थितियों से 2 और 4 होते हुए अविवाहित यानी अनमैरिड भाई ने यह डिसीजन लिया कि वह शादी नहीं करेगा। समाज के गरीब और असहाय लोगों की मदद करना अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। क्योंकि परिवार संपन्न था यानी रुपए पैसों की कोई पिता के पास तकलीफ नहीं थी, इसीलिए अपनी कमाई का अधिकतर हिस्सा, क्योंकि तीनों भाइयों को अपना अपना प्रॉफिट बिजनेस से पिता देते हैं, उन्होंने अपने प्रॉफिट का मैक्सिमम हिस्सा लोगों की मदद में खर्च करने लगा। लोगों की दुआओं से इनकी आमदनी में धीरे धीरे बढ़ोतरी भी होने लगी, तो इन्होंने लोगों पर खर्च करना भी बढ़ा दिया। 4 कमरों का एक छोटा सा अनाथ आश्रम बनाया, जिसमें रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भीख मांगने वाले बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें पढ़ाई की आदत डाली। कई लोगों की भीख मांगने की ही आदत होती है, माता पिता परिवार के लोग यही काम में लगे रहते हैं, उनमें से उनको ट्रेनिंग देकर उन्हें मोटिवेट करके ये काम करता है। आज मैं जिनका कुंडली विश्लेषण करने जा रहा हूँ वो 40 साल का एक व्यक्ति है। अब इनका एक और सपना यह भी है कि घर से तिरस्कृत बुजुर्गों के लिए जो माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं, वो माँ बाप कहाँ जाए, जिन्होंने अपनी जायदाद भी अपने बच्चों के नाम से कर दी, कुछ भी उनके पास नहीं है, अपना सोना चांदी भी सब बांट दिया परिवार के लिए, आज वही बच्चे माँ बाप को भूल गए, उन लोगों के लिए एक वृद्धाश्रम बनाना चाहते हैं, जो ऐसे हजारों लोगों ने बनाए हैं। क्योंकि वर्तमान की कमाई का अधिकतर हिस्सा अनाथ आश्रम पर खर्च हो रहा है, तो यह मुझसे जानना चाहते हैं कि श्रीमाली जी, अब आप ही बताएं कि क्या अपने जीवन काल में मेरा यह सपना पूरा होगा। आइए देखते हैं कि क्या कहते हैं इनके जन्म नक्षत्र और ग्रहों का खेल क्या है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जन्म कुंडली से पहले ही बता दूं कि ऐसे नेक इरादे वाले लोगों की जन्म कुंडली विश्लेषण क्या करें, इनके लिए तो खुद भगवान ही प्रार्थना करता है कि ऐसे लोग ज्यादा जिए और सपने साकार हों। आइए देखते हैं जन्म कुंडली क्या कहती है। देखिए, मेष लग्न की कुंडली, लग्न में शुक्र विराजमान है, लग्न में सत्य लोक और संत पुरुष के बारे में ज्ञान होता है, जानकारी मिलती है। यहां पर देखिए लग्नेश मंगल 10th हाउस, जहां पर 10 नंबर लिखे हुए हैं, वहां पर यानी कर्म स्थान में उच्च के होकर विराजमान है। पंच महापुरुष योगों में से एक रोचक योग एवं कुलदीपक योग बना रहे हैं। केंद्र में बलि मंगल साहसी बनाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए मंगल की चौथी दृष्टि लग्न पर है, 10 से 1 की तरफ एक एरो, यानी स्वयं उच्च के होकर लगन पर दृष्टि, कॉन्फिडेंस भरपूर रहता है ऐसे लोगों में, ताकत बड़ी जबरदस्त रहती है, लीडरशिप क्वालिटी बड़ी जबरदस्त रहती है। वहीं 7वीं दृष्टि 10 से निकलकर 4 की तरफ 4th हाउस पर, जो कि भूमि भवन के सुखों पर, और 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर 10 से 5 की तरफ अपने मित्र सूर्य के घर को देख रहे हैं। 5वें भाव पर होने से कई एकड़ जमीन का सुख प्राप्त होगा। आप तो आगे बढ़ते रहिए दोस्त, ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास कई हेक्टेयर जमीन है, उसमें से चंद एकड़ जमीन शुभ और लोगों के कल्याण के लिए देने वाले लोग दुनिया भर के बैठे हैं। सही, आप कर्म करते जाइए, अपने आप कारवां जुड़ता जाएगा और आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। जब भी लग्नेश केंद्र में हो, स्वग्रही या उच्च के, तो शुभ फल देते हैं, और ऐसे इंसान दूसरों का भला करने वाले और भला सोचने वाले लोग होते हैं। कुल दीपक अपने खानदान परिवार समाज राष्ट्र का भला करने वाले कुल दीपक बनते हैं ऐसे लोग। ऐसे इंसान नेक कार्य करने वाले, भलाई करने वाले, लोगों की भलाई करके दूसरों को खुश करके अपने जीवन को धन्य बनाने वाले लोग होते हैं। अनेक अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम खोलने की क्षमता वाला धनी ये व्यक्ति बनेगा। ऐसे व्यक्ति अपने कुल का नाम रोशन करते हैं और चहुमुखी विकास भी करते हैं। बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। द्वितीय शुक्र, जहां 2 नंबर लिखे हुए चंद्र केतु का ग्रहण दोष भी, द्वितीय शुक्र लग्न में विराजमान है। अपने से 12th हाउस में जरूर है, लेकिन धन भाव के लॉर्ड लग्न में विराजमान है, जिससे इंसान धार्मिक और दयालु तो होता ही है, साथ में इमोशनल सेंटिमेंटल भावुक किस्म के लोग होते हैं।
कई ऐसे निर्दयी लोग भी हैं कि सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए, इंसान तड़प रहा है उसे छोड़कर आगे निकल जाते हैं, और ऐसे भी लोग हैं कि इंसान क्या, एक जीव जंतु भी कोई मर जाए तो अभी आप सोच नहीं सकते कितना दुख व्यतीत करते हैं, दुख अपने अंदर महसूस करते हैं। ऐसे लोग धनवान होते हैं क्योंकि फोर्थ हाउस यानी सुखेश चंद्रमा धन भाव में उच्च राशि के विराजमान है, चार नंबर के लॉर्ड होकर सेकेंड हाउस में, परंतु द्वितीय भाव धन एवं कुटुंब भाव में चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष विराजमान होकर ऐसे इंसान बचत करना तो दूर, बचत करना तो भूल ही जाते हैं, और आपको तो करनी भी नहीं बचत, आप तो आगे से आगे खर्चा करना चाहते हैं, इसी कारण आपके पास पैसा नहीं टिकेगा और शुभ कार्यों पर पैसा लगेगा। जैसे चंद्रमा तरल पदार्थ हो लिक्विडिटी का लॉर्ड है तथा जल का प्रतिनिधित्व करता है, जिस प्रकार पानी का स्वभाव है निरंतर गति करना, उसी प्रकार लक्ष्मी चंचल है और आपके चंचल लक्ष्मी धन को खर्च जरूर करवाएगी, लेकिन ये खर्च कई जन्मों के आपको शुभ फल देकर पुनः आपको धरती पर भेजेंगे ताकि आप ईश्वर का ये नेक काम कर सके। धन की सदगति हो रही है, यह धन नेक और पुण्यार्थ पुण्य कामों की तरफ लग रहा है। खुशी की बात है कि पुण्य काम आप करते रहें और ये योग करवाता रहेगा। बढ़ते आगे, पंचमेश सूर्य जहां पर पांच नंबर लिखा हुआ है वो द्वादश भाव में, जहां पर 12 नंबर लिखे हुए हैं मित्र और इस और यहां पर भाग्येश देवगुरु बृहस्पति की संगति कर रहे हैं, जहां पर 9 नंबर लिखे हुए हैं उसके लॉर्ड बनते हैं बृहस्पति। पंचमेश और नवमेश की युति, दो त्रिकोण के लॉर्ड एक साथ सूर्य बृहस्पति, बृहस्पति की संगति भी इंसान को नेक दिल तथा हर किसी की मददगार बनाती है। टीचर हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाता है, अगर सही मायने में वो एक आदर्श टीचर है तो चाहे वो रात हो चाहे सुबह हो, कुछ भी करके वो अपने बच्चे को अपने शिक्षक को जरूर सामर्थ्यवान बनाता है। तो गुरु की संगति सूर्य के साथ, सूर्य के सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, आप इतनी तरक्की करेंगे कि सभी लोग आपके चक्कर लगाएंगे और आप एक दिन राष्ट्रपति पुरस्कार के हकदार भी बनेंगे। और ट्वेल्थ हाउस मोक्ष का भी होता है, जिस कारण सत्कर्मों से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति भी करता है। पढ़ते आगे, यहां सपने साकार करने के लिए प्रॉफिट हाउस लाभ स्थान का स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है। याद देखिए, लाभेश शनि जहां पर 11 नंबर लिखे हुए हैं और पराक्रमेश बुध का परिवर्तन राजयोग बन रहा है, जहां पर 3 नंबर लिखे हुए हैं उसके लॉर्ड बुध बनते हैं जो 11 नंबर में, 11 नंबर के लॉर्ड 3 नंबर में, आप मेरे घर में और मैं आपके घर में, हम एक दूसरे के घर का ख्याल तो जरूर रखेंगे क्योंकि हमें अपने घर की चिंता है, यानी दुनिया की कोई भी ताकत आपके सपने को साकार करने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल शनि देता है, शनि को हम न्यायाधीश कहते हैं, आपके साथ 100% न्याय करेंगे शनि, और ये तो सिर्फ शुरुआत है, देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। और तो और वर्तमान में कर्मेश शनि की ही दशा चल रही है, शनि इंसान के अच्छे कर्मों का फल दिलाता है और अच्छे कर्मों का शुभ फल भी देता है। इस दशा में आप अपने प्रयासों से 6 जुलाई 2017 के बाद वृद्धाश्रम की नींव अवश्य रखेंगे। चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष निरर्थक मन संताप, कई बार दुखी होंगे, खर्च ज्यादा होगा, इनकम कम होगी, लोगों का सपोर्ट कम रहेगा, सिर्फ आप कर्म करते जाइए सब कुछ होता जाएगा, मानसिक अशांति देता रहेगा। वहीं कुटुंब तथा परिवार से किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं मिल पाएगी। मेरी आज की बातचीत का निष्कर्ष क्या निकलता है कि जीवन पर्यंत विवाह ना करने का फैसला लेना एक तप के सवार है, बहुत बड़ी साधना है, और अपना पूरा जीवन समाज के असहाय लोगों की मदद के लिए समर्पित कर देना एक महान तप है। इसके लिए एक बहुत बड़ा कलेजा चाहिए जो आपके अंदर है, जीवन मिलना और उसको जीना, फिर इस दुनिया से चले जाना, यह एक आम आदमी का काम है। जीवन में कुछ विशेष कर गुजरने का जज्बा रखने वाले इंसान ही हकीकत के धरातल पर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिनसे या जिनके इस दुनिया से चले जाने के पश्चात भी लोग उन्हें याद करते हैं। जो भी नेक काम आपने किए और आगे भी करने का सोच रहे हैं उसके लिए मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बधाई और आशीर्वाद देता हूं, और इस कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मेरे सभी प्रिय दर्शकों को, सभी प्रिय शिष्यों और साधकों को यही निवेदन करूंगा कि आप सभी इनसे प्रेरणा लेकर समाज के लिए इनके जैसा बहुत कुछ तो नहीं लेकिन कुछ जीवन काल में जरूर प्रयास करिए। छोटा सा उपाय जो आपके आगे इस सपने को साकार करने में मदद करेंगे, मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र का जप अर्धरात्रि को किया जाता है, यह साधना 22 दिनों की होती है और नित्य एक माला जप करना चाहिए, सपने साकार करने का बेहतरीन उपाय है।
या शनिवार या रविवार से इस प्रयोग को प्रारंभ किया जा सकता है। उचित रहता है कि यह शनिवार को किया जाए। इससे व्यक्ति को लाल वस्त्र पहनने चाहिए और पूजा के प्रयुक्त सभी सामान को रंग लेना चाहिए। दीपावली के दिन भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। मंत्र क्या है इसे आप नोट करिए। ओम नमो पद्मावती पद्मालय लक्ष्मी दायिनी वांछा भूत प्रेत वैंद्य वासिनी सर्व शत्रु संहारिणी दुर्जन मोहिनी रिद्धि सिद्धि वृद्धि कुरु स्वाहा। इस मंत्र को जाप करिए और देखिए चमत्कार। तो यह था इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण। अगली बार आप में से किसी शख्स की जन्म कुंडली का विश्लेषण करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। आज व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने के साथ साथ धन धान्य यश कीर्ति मान सम्मान ऐश्वर्य सभी चीजें प्राप्त करना चाहता है और यह सभी हमें मां लक्ष्मी के आशीर्वाद द्वारा ही प्राप्त होती हैं। और यदि हम मां लक्ष्मी का अस्थाई रूप से वास चाहते हैं तो लक्ष्मी के साथ उनके आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना व साधना करना परम आवश्यक है। तो यदि आप भी अपने भाग्य को परिवर्तित करके मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की अनुकंपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास है स्वर्णिम अवसर। अक्षय तृतीया के सौभाग्यशाली अवसर पर आप सभी भक्तजनों पर मां लक्ष्मी की अनुकंपा प्राप्ति हेतु परम पूज्य गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी ने अपने दिव्य शक्तियों द्वारा निर्माण किया है, जिसे संपन्न करके आप अपने सोए भाग्य को जगाकर अपने घर में मां लक्ष्मी का स्थिर वास बना सकते हैं। इस साधना में आप पाएंगे संपर्क करें गुरुदेव सुरेश श्रीमाली 19-20A हाईकोर्ट कॉलोनी जोधपुर राजस्थान फोन नंबर 02915190000 और 98290-26625 और 93147-49222। वेबसाइट www.grahokakhel.co.in। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव। अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे, ना केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण। संपर्क करें गुरुदेव सुरेश श्रीमाली 19-20A हाईकोर्ट कॉलोनी जोधपुर राजस्थान फोन नंबर 02915190000 और 98290-26625 और 93147-49222। वेबसाइट www.grahokakhel.co.in।